सुबह से कितनी दिक्कत आ चुकी है, कोई दूसरा प्रत्याशी आता उसका नाम का वोट गिर चुका होता है पहले से पहले। अच्छा। वो जाती है वो कहते हैं जी हमारे वोट ही नहीं डला, वो खुद जाते हैं उनका वोट ही नहीं डला होता है। ओके। और पहले से पहले कोई वोट डाल के चले जाते, नहीं आई है वोट, आई नहीं है, नहीं आया पहचान पत्र से भी देख लिया किसी चीज से कटी हुई है, और खासकर दो तीन समाज की तो है ही नहीं वोट यहाँ पे। अब सर भी आ रही है कि जो बीएलओ की लापरवाही से जो वोट है कटी हुई है जी, ये समस्या यहाँ पे मेन प्रमुख समस्या यहाँ पे। चुनाव में आज 11 मई आज निकाय चुनाव में जैसे कि आप देख रहे हैं लोगों का पूरा जोश के साथ लोग वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन उस जोश के साथ साथ यहाँ जो एक मेन समस्या देखने को मिल रही है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो वोट हैं वो कटे हुए हैं। अभी हम लोनी के बहटा गांव के पास में हैं और यहाँ बहटा इंटर कॉलेज के सामने हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए आए हैं कि उन्होंने किस तरह से वोट का जो अपना अधिकार है उसको किस तरीके से उन्होंने उसे अप्लाई किया, उसे किस तरीके से और क्या क्या समस्या उनके सामने आई है। जैसे कि हमने पिछले आप वीडियोस में आपको बताया कि ये समस्याएं लोगों को आई हैं, उसके वोट नहीं है और कुछ की कुछ मशीनी तकनीकी प्रॉब्लम भी आई है कुछ जो पोलिंग सेंटर्स हैं उस पर। भाई हम बात करते हैं जनता से कि क्या समस्या आई। सर आपका नाम क्या है? सर कपिल चौहान। कपिल चौहान जी आपका वोट डल गया है? हाँ सर वोट डल गया बिल्कुल। क्या क्या समस्या आ रही है यहाँ पे पोलिंग सेंटर पे? कुछ समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं, बहुत सारी है जी, बहुत समस्या है, जैसे वोट कटी हुई है। हाँ वोट सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत आ रही है जी। हमारे जितने जा रहे हैं कलोनी होते हैं, हमारे प्रत्याशी जी अर्जुन चौहान जी बैठे हो रहे हैं यहाँ से, सुबह से कितनी दिक्कत आ चुकी है, कोई दूसरा प्रत्याशी आता उसका नाम का वोट गिर चुका होता है पहले से पहले। वो जाती है वो कहते हैं जी हमारे वोट ही नहीं डला, वो खुद जाते हैं उनका वोट ही नहीं डला होता है। और पहले से पहले कोई वोट डाल के चला जाता है। पीठासीन अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, कम से कम यहाँ से आधी गलियों की वोटिंग ही वोटिंग नहीं आ रही है, बिल्कुल वोट भी नहीं है। पिछली बार उन्होंने वोट गिरी, इस बार वोट भी नहीं आई है, सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। फर्जी वोट भी डल रही है, फर्जी वोट भी डली है, और जो है यहाँ पे वोट भी नहीं आई, वोट भी नहीं, वोट भी कटी है जी। इसके अलावा मशीन वगैरह में कुछ तकलीफ? मशीन की हम मशीन में एक नंबर की चलिए, मशीन की हम उसके पीठासीन जो अधिकारी है वो अपना पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने इसके बारे में नोडल जो मजिस्ट्रेट आते हैं उनको? हमारे पास कोई नहीं, हम हमारे को पुलिस वाले अंदर एंटर नहीं होने दे रहे। तो जो सभासद प्रत्याशी हैं आप उन्हें उनसे बात कीजिए जी, जिससे कि वो जो है नोडल अधिकारी को यहाँ पे बुलाए और अर्जुन वो अधिकारी जो है इस चीज का निरीक्षण करेंगे। सर कोई सुनने को राजी ना, हमें तो पुलिस वाले अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं, हम अपने एजेंटों को खाना देने आते हैं, कितना खाना खाएंगे? अबे हर कितने वार्ड के कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वो हर अपने एजेंटों को वो खाना खिलाएंगे तो हम भी तो हमारा तो जाने का समस्या आ रही है वोटे फर्जी तरीके से। हाँ जी, तो जैसा कि आपने देखा कि बैठा गांव के अंदर कुछ हमने जो समस्या देखी लोगों की, वोट जो है वो फर्जी तरीके से डाले जा रहे हैं। ये हमारे जी अर्जुन चौहान जी। सर आपका नाम क्या है? अर्जुन चौहान, वार्ड नंबर। किस पार्टी से हैं सर आप? भाजपा। तो सर यहाँ पे समस्या क्या क्या आ रही है, आपने लोग बाग में समस्या बताई है? समस्याएं तो ये आ रही है जी, सबसे बड़ी वोट ही नहीं आ रही, वोटिंग नहीं आ रही, वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन है। अच्छा। हाँ जी, एक्चुअली जो वोट बन गया था वो कट गई है वोट, इतनी ज्यादा कटी हुई है, और खासकर दो तीन समाज की तो है ही नहीं वोट यहाँ पे, जो पिछले 20-20 साल से वोट डाल रहे हैं इस साल उनकी वोट, विधानसभा और लोकसभा में जो वोट है। हाँ जी। वो अभी यहाँ निकाय चुनाव में नहीं है। तो किन किन समाज की वोटें कट रही है ऐसा कुछ है? ब्राह्मण समाज सामान्य सीट पे जितने भी है ना, मोस्टली देखने को मिल रहा है कि अभी जैसा हमने बैठा में कवर किया वहाँ पे उन्होंने ये बताया, वहाँ पे ये बताया उन्होंने कि यहाँ पे मोमडन समाज की वोट कट रही है। तो क्या सारे ही समाज की वोट कट रही है या फिर नहीं? यहाँ पे जाति विशेष वाली कहानी हो रही है, ब्राह्मण विशेष का ज्यादा, ब्राह्मण राजपूत की तो वोट है ही नहीं। अच्छा। है ही नहीं, ये समस्या जी। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि कुछ फर्जी वोट भी डल चुकी है, जो वहाँ पे वोट डालने नहीं पहुँचे अभी तक, हमारे सामने पहुँचे उनकी वोट डल चुकी है वहाँ पे। तो इस मामले में आपने नोडल जो मजिस्ट्रेट है अधिकारियों को? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ ऐसा संज्ञान नहीं लिया हमने, अभी यहाँ पे बिजी है, संज्ञान में लेंगे। हाँ जी बिल्कुल सर, लेंगे। हमने वही तो बोला, जो प्रशासन हमारे को अंदर नहीं घुसने दे रहा, प्रशासन अंदर नहीं जाने दे रहा, ये प्रत्याशी तक अंदर नहीं जाने दे रहे। हाँ जी, अंदर तक नहीं जाने दे रहे, ये तो जिनका कार्ड बने वो जाने दे रहे बिल्कुल। माता जी आपका नाम क्या है? विमलेश बंसल। माता जी क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? वोट आप भाई चुके? वोट नहीं आई है, वोट आई नहीं है, नहीं आया, नहीं आया, पहचान पत्र से भी देख लिया किसी चीज से ना आ रहा है। आपको तो लोकसभा और विधानसभा सब में आई है, आई है, और गली में ज्यादातर बहुत लोगों की ना आई, पूरी गली की ना आ रही है। अच्छा, सभी के साथ ऐसा हुआ? हाँ, पूरी गली की ना आ रही है हमारे यहाँ। आपका किस पार्टी को समर्थन था भाई? पार्टी को समर्थन, आपको लगता है कि आपकी पार्टी वालों की वोट काटी गई है?
भाई हमारा तो हमेशा वैसे तो देखा जाए तो हमारी हमेशा कमल पे ही जाती है। कमल पे जाती है शुरू से ही। कमल पे जाती है तो आपको लग रहा है कि कमल वालों की वोट कटी है सबकी कटी है? अब भाई अभी तक देखो हम किसी का पेट में ना घुस रहा है, कौन किसको दे रहा है। तो आपके हिसाब से ये है कि आपकी ज्यादातर गली के लोगों की वोट बहुत पूरी गली की ना रही, दो गली की पूरी की ना है। बैठा इंटर कॉलेज में यहाँ वोटिंग चल रहा है निकाय चुनाव का और कुछ समस्या लोगों के बीच में देखने को आई है, वो चाहे वोट कटने को लेके हो या फिर कुछ फर्जी वोट पड़ने को लेके। तो यहाँ जो जनता मौजूद है हम उनसे पूछना चाहेंगे क्या समस्या आई है। सर आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी। धर्मेंद्र कुमार जी यहाँ पे क्या समस्या आ रही है? समस्या यहाँ पे सर आ रही है कि जो बीएलओ की लापरवाही से जो वोट है कटी हुई है जी, ये समस्या यहाँ पे मेन प्रमुख समस्या यहाँ पे यही है। तो इससे पहले जो भी चुनाव में जो लड़ रहे थे जो प्रत्याशी थे उन्होंने वो कंफर्मेशन नहीं किया था कि कंफर्मेशन क्या ही है जो है जो पहले जो सभासद जो चुनाव लड़े वो अपने फायदे और नुकसान के लिए मतलब वोटों का जो है इधर से उधर करवाने का उनका काम रहा। शिकायत कुछ ये भी है कि कुछ फर्जी वोटें भी पड़ रही है, जो लोग जैसे वोट डालने जा रहे हैं वहाँ पता लगता है कि उनके नाम की वोट पहले ही पड़ चुकी है। नहीं वैसे ऐसा जो पर्चियों की जो मिस्टेक बताई ना, जो पर्चियों की जो मिस्टेक बाकी फर्जी वोट पड़ देगी ऐसी कोई सूचना है नहीं। अच्छा अच्छा जी, बाकी सब ठीक चल रहा है? बाकी सब बड़े चल रहा है। आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत वोट कटा है लोगों का? वोट मेरे ख्याल से 15-20% वोट आज लोगों का कटा है। और वो जो वोट जैसे कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि वो वोट कुछ जाति विशेष या पार्टी विशेष के लोगों का कटा है, तो क्या लगता है आपको? नहीं ऐसा कुछ, वो सभी का है, ऐसा कुछ सभी का, उसमें सभी लोग। अगर मान लो चलो किसी पर्ची में अगर किसी के नाम में या वाइफ ऑफ में या फादर में कुछ मिस्टेक आ रही है तो वो समस्या सभी में है। अगर हम कहे जैसे मैं खुद प्रत्याशी हूँ, अगर हम कहे कि भाई हमारी पर्ची में मिस्टेक आ रही है तो वो पार्टी से सर मैं बसपा पार्टी से हूँ जी जी। तो आपका पूर्ण समर्थन आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है बसपा तो किन कामों में जो है? सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा जो बीएलओ जो लापरवाही जो करते हैं उनके उनको जो ड्यूटी कराना ठीक से करवाएंगे, जिससे जनता का नुकसान ना हो, जिससे कि वोटर बहुत अहमियत रखते हैं। बिल्कुल। और वोटर की वजह से काफी महिलाएं यहाँ पे ऐसे बैठी है जो 3-3 घंटे से हमारे पास बैठी है जिनका नाम है ही नहीं बिल्कुल भी, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं ऑनलाइन में जो उनका जो आ रहा वोट वो अंदर पीटीसी अधिकारी मान्य नहीं कर रहे। अच्छा। क्योंकि वो जो मान्य नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से समस्या आ रही है, क्योंकि उसमें क्रमांक संख्या नहीं आ रही है। ठीक है जी, जी। और बाकी जब हम अगर जीतते तो जीतने के बाद सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हर वोटर अपना वोट गिर सके। सबसे पहला काम है वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना। बिल्कुल बिल्कुल भाषा बिल्कुल, क्योंकि वोटर जो है वो जागरूक होता है और इतने बिल्कुल समय से वो प्रचार प्रसार में लगा रहता जी, है जी जी जी, कुछ अपनी पर्सनल समस्या होती है निराकरण करवाने के लिए वो वोट डाल रहे हैं। हालांकि वोटर में इतनी जागरूकता है कि पब्लिक जो है पैदल काफी दूर से पैदल आ रही है, अपनी रूम में आ रही है जा रही है और जो वोट देने का प्लान, अगर सभी का वोट पूरा होता तो वोटर परसेंटेज यहाँ पे अच्छी खासी बन जाती है। मेरे ख्याल से 50% तक वोटर परसेंटेज पहुँच जाएगा इसमें। अच्छा ठीक है सर। सर और क्या समस्या आ रही है सर? कुछ ऐसी ऐसी यहाँ पर कोई समस्या नहीं, बोर्ड तरफ से और सब दुरुस्त है। हाँ जी बिल्कुल दुरुस्त, और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, बाकी मतदान पूर्ण रूप से संपूर्ण हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर से बात करने के लिए धन्यवाद।